नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। आज है वीडियो केसी 501 के ऊपर। इससे पहले आप इस चैनल पे मर्सिडीज के रिगार्डिंग, बीएम के रिगार्डिंग केसी 501 को देख चुके हो कि कैसे वर्क करता है। आज मैं आपको इसका थोड़ा सा डिटेल दूंगा विद इन अ फ्यू मिनट्स, जिसमें आपको बताऊंगा ओन बेंच कैसे काम करता है। ओन बेंच मतलब ओन लैपटॉप या ओन कैसे। ये मैं इसका सेटअप रन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका सेटअप है जी। ऐसे जो विद ये यूएसबी केबल लगता है, जो इसकी खुद की आती है इसके साथ, इसके प्रॉपर बॉक्स के साथ। ये आप ऑन टेबल जो भी भाई इसको यूज करना चाहें, तो इसके अंदर आप कंप्लीटली आईसी रीडिंग, जैसे आपको आईसी रीडर का ये उसकी जो नीड पूरी कर देगा जो आईसी रीडर करता है। ऑन टेबल मर्सिडीज का काम, ऑन मतलब जैसे आप टेबल पे रखा हुआ है, तो आपको मैं फंक्शन एलैबोरेट कर रहा हूँ। इधर देखिए, जैसे सबसे पहले मैं की पे आ रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि 48 ट्रांसपोंडर कभी कभी लॉक्ड मिलते हैं, इसके अंदर ये फंक्शन है। मैं जा रहा हूँ 23 पे, TP23 मतलब वॉक्सवैगन, TP24 मतलब स्कोडा, तो मैं TP23 पे जा रहा हूँ वॉक्सवैगन। ये मेरे पास एक लॉक ट्रांसपोंडर 48 पड़ा है, जिसको मैं जो ये काम हमारे ऑलरेडी लाइट में भी होते हैं, पर मैं आपको टेबल पे दिखा रहा हूँ। ये रख दिया और आप इधर से इसको अनलॉक कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकंड्स अनलॉक। ऐसे आप इसके अंदर काफी ट्रांसपोंडर जनरेट भी कर सकते हो। देखिए, ये 46 पे मैं जा रहा हूँ हाईटेक 2, और ये रहे इतने ट्रांसपोंडर, ये आप सभी इसको जनरेटेड कर सकते हो। इसके बाद ये ऑनलाइन चलता है, अपडेट ऑटो अपडेट है ये। फिर मैं जा रहा हूँ आईसी पे, आईसी पे आप इसके अगर ई प्रोम पे जाओगे, तो पहले मैं आपको बड़ी गाड़ियों से स्टार्ट करता हूँ। ईसीयू पे बीएमडब्ल्यू का कैश रीड आप कर सकते हो ऑन टेबल। ये मैं अभी जा रहा हूँ कैश 4 पे, 5M48 है आईसी। ये रहे इसके कंप्लीट कनेक्शंस, ये देखिए कंप्लीट इधर इसके कनेक्शन आए हुए हैं। जैसे जैसे हम इसको काम करेंगे, ठीक है जी। ये भी सिलिकॉन वाला, दो तरह के आते हैं ये, एक ये सिलिकॉन आता है, एक मेटल आता है। ये देखिए, ठीक है जी, ऑन टेबल आप इसको रीड कर सकते हो। फिर मैं जा रहा हूं इसके अंदर बीएम पे, वो कैश 4 भी है, कैश 3 भी है, ईडब्ल्यूएस मॉडल भी है, एफआरएम भी है, एफआरएम पे जा रहा हूं। ये देखिए, ये FRM मॉड्यूल आ गया इसका, इस वायर के साथ आप इसको रीड कर सकते हो। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। फिर इसके बाद अगर आप OD पे जाओगे, तो OD का आप ये काम कर सकते हो जो Q7A6 में आता है, ये देखिए ऑन टेबल रीड कर सकते हो। फिर इसका ESL आता है जिसमें फ्लैश होता है, वो भी आप रीड कर सकते हो। देखिए, ये बहुत से काम है जो बहुत टेक्निक के साथ होंगे, पर होते हैं इसके अंदर। लैंड रोवर के अंदर आप KVM का काम कर सकते हो, ये देखिए, ये देखिए KVM के कनेक्शन दिए हुए हैं, मतलब प्रॉपरली आपका टेबल पे ये EPROM आईसी रीडर है, ECU रीडर है। ये देखिए, अभी मैं जा रहा हूं इसका बेंस पे, ये बेंस पे देखिए 211 नंबर पे मैं जा रहा हूं, ये 211 के कनेक्शन दिए हुए हैं। देखिए, ऑन टेबल कर सकते हो आप, जो मैंने ट्राई भी कर लिया है। 211 के बाद 169 पे आ गए हम, सॉरी रीसेट फेल्ड हो गया क्योंकि अपना मॉड्यूल लगा नहीं हुआ। तो इसके मैं कनेक्शंस पे जा रहा हूं, ये देखिए इसके कनेक्शंस आ गए। इसके बाद जनरल मोटर BCM2, समझ गए होंगे आप, ये देखिए क्रूज, फिर इसके बाद मैं जा रहा हूँ नॉर्मल, हम आईसी रीडर की बात करते हैं, MCU भी इसके अंदर काफ़ी होते हैं, ठीक है, पर मैं जा रहा हूँ अभी EPROM पे डायरेक्ट। मैंने एक EPROM लगाया भी हुआ है, ये देखिए विद इस वायर के साथ, ये है 2004C04, जो टाटा के अंदर यूज होता है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, काफ़ी
पार्ट्स में ये पाया जाता है, ईप्रोम में भी, मीटर में भी, ईसीएम में भी। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, एसटी का आईसी है ये 24C04। इसको हम डाटा रीड करेंगे, ये देखिए इसके हैक्स आ गए। अगर इसके अंदर मैंने किसको राइट भी करना है, ये देखिए मेरे अंदर इधर पड़ा होगा कोई ना कोई डाटा, ये देखिए टाटा का पड़ा है, तो इसको मैं राइट कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो दिखाइए राइट एंड राइट प्रोग्रेस 100%। मतलब ये आपका ऑन टेबल, अभी तक वीडियो नहीं आई थी तो आपको ऑन टेबल में इसका शो कर रहा हूँ KC-508। अगर आप डिवाइस के साथ कभी आईसी रीडिंग नहीं करना चाहते, डिवाइस आपका दूर है, तो आप ऑन टेबल भी इसको यूज कर सकते हो, परफेक्टली ये काम कर रहा है। अभी कभी आपने मर्सिडीज का कोई ELS रीड करना है, BM का कोई गैस रीड करना है, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। अपने डीलर से कॉन्टेक्ट कीजिए जो आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करे, और डिवाइस आप ले सकते हैं किसी भी एक्सोल डीलर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।